मंदिर के, मस्जिद के, गिरजे के, नहीं तो आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। और उस क्योंकि आपने देख लिया है अघोरी बाबा तो नीचे हैं, पर वो बता चुके हैं कि एक मंदिर है, इसलिए वहां आपको जाना होगा। परंपरा ने बहुत सारी जगहें हमें बताई हैं, वो आसमान तक ऊंची भले ना हो पर बिना उनके दिए हुए नक्शे की मदद से हम और ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर वो धीरे धीरे चलते हैं और बाबा से मिलते हैं, और सीढ़ियों पे फिर अब बाबा बाहर आते हैं, उन्हीं के भाई, यहाँ भाई का जो इनसे बड़े, वो सबसे बड़े नहीं थे, ये भी बहुत एक सुंदर चीज़ है उनकी कहानी में। सबसे बड़ा बना दिया होता तो ये बड़ा ही हैकनीड हो जाता, वो नहीं कि सबसे बड़ा जो बेटा है, जैसे कि इस दूसरी कहानी में ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा है, पर ये वो नहीं, बड़े की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे को भेजा गया है, ये अच्छा है, उसका भी संसार है, उसका उसकी लगन बहुत है संसार से, अपने अपने बच्चों से। वो भाई का स्पर्श जब उसको मिलता है इतने साल बाद, तो वो कुछ जादू हो जाता है उसमें, पहली बार उसे स्पर्श मिलता है माता पिता का नहीं, एक भाई का, जो बिना आसक्ति के आकर्षक है और आकर्षित है, वो छूता है, और इस एक्साइटमेंट में उनके हाथ से उनका ब्रीफ केस गिर जाता है, खुल जाता है, और सारे कागज बहने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और कौन उठा के बीन बीन के उनको वापस रखता है, बाबा भाई सारे कागज, वो बताता ही कागज से, हाँ हाँ ये कुछ दस्तखत करने होंगे, आपको कर दूंगा, सब ठीक तो हैं, हाँ ठीक हैं, तो आप यहाँ क्यों चले आए, क्या फर्क पड़ता है, जैसे मैं वहां रहता था वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। रमण महर्षि ने यही बात कही थी जब लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के क्यों नहीं वापस पहुंच जाते, परिवार के साथ क्यों नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो देखो यहाँ सारा परिवार है, हजारों लोग हैं, और सिर्फ मनुष्य नहीं, बंदर, शेर, चीते, मोर, सांप, ये सब, इतना सारा मेरा परिवार है, कहां हूं मैं सन्यासी। तो ये ही बात बाबा भी उनको कहते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है। और फिर ये यहां पे थोड़ा सा छोटे को गुस्सा भी आता है, क्योंकि 10 साल की अनुपस्थिति बहुत मुश्किल होती है, भाइयों में जो प्यार होता है तो बहुत निर्भरता होती है, बहुत आवश्यकता होती है, वो नहीं मिला और कोई उत्तर भी नहीं, और पहले वो खोजते थे, वो बड़ी ही मार्मिक चीज है, अस्पतालों में खोजा, मोर्चुरीज में खोजा, जहां लाशें बर्फों बर्फ की सिल्लियों पर लिटाई जाती हैं, और आप अपनी लाश ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां का जो संचालक होता है उनको कहता है कि सर और लोग भी अपनी अपनी लाश ढूंढने आए हैं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो ये बड़ा सुंदर है कि जब निर्मल ने देखा कुछ कई लोग हैं बाहर खड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो उन्हें लगा कि बाबा जैसे वो उनकी लाश की तलाश में एक सिल्ली से दूसरी सिल्ली को जाए, वो एक व्यक्ति से दूसरी किसकी तलाश में, लाश की नहीं, उस आत्मा की जिसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। एक के बाद एक सबके दर्शन रमण महर्षि भी अंत तक करते रहे। लोग समझते हैं कि रमण महर्षि ने अंत तक लोगों को इजाजत दी उनके दर्शन करने के लिए, ये तो अर्ध सत्य है। रमण महर्षि दर्शन के प्यासे थे, विभिन्न जो रूप हैं जिसमें आत्मा प्रकट होती है उस सबके दर्शन के। तो ये बात बाबा में भी, सहजी बाबा में भी मिल जाती है। तो छोटे जो हैं वो बहुत अच्छा लगता है, वो पहली बार वो आराम से लेटे हुए होते हैं, कुछ बाबा का शरीर कुछ उनको गर्म लगता है, और ऐसा कुछ है यहाँ भी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो भारत के अघोरी बाबा ही बता सकते हैं कि ज्ञानियों का शरीर जो होता है गर्म होता है छूने से। रमण महर्षि का शरीर उनके कुछ जो सेवक थे उन्होंने छुआ था, ये तो बहुत बहुत गर्म है, इसी कुछ बात है। बुखार क्या है आपको, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी थोड़ी तकलीफ है, तुम सो गए उठ जाओ, यहाँ क्यों नहीं रह जाते ये कुछ दिन। बाबा कहे कैसे बाबा हैं, तो नहीं नहीं मुझे लौटना है, नहीं नहीं यहाँ एक नीचे जाके एक रेस्ट हाउस है जिसके मैनेजर को मैं जानता हूँ, उससे मैं बात कर लूंगा, वो तुम्हें रहने का इंतजाम कर देगा। ये क्या है ये मैनेजर, ये क्या है रेस्ट हाउस, मुझे तो लगता है कि ये मैनेजर तो ईश्वर है और ये रेस्ट हाउस तो स्वर्ग है। जो ज्ञानी होता है वो स्वर्ग नरक के ऊपर चले जाता है, पर वहां जो मैनेजर होता है रेस्ट हाउस का ईश्वर, उससे उसके अच्छे संबंध होते हैं, उस ईश्वर को याद भी करता है, जानता भी है, और अगर हमें वहां जाना हो तो ये तो बड़ी आसान बात है। नचिकेता को यम कहता है अच्छा तुम स्वर्ग चले जाओ, तो फिर वो नचिकेता कहता है ये तो बहुत आसान है, वो तो आप रख लीजिए, मुझे तो उसके ऊपर जाना है।
अमरत्व का रहस्य जानना है और आपसे बेहतर कौन हो सकता है। खैर बाबा कहते हैं कि तो ये बड़ी रहस्यमय बात है, मैं नहीं मानता कि यहाँ निर्मल सिर्फ वो जैसे जो कॉलोनियल जो पीरियड था हमारे देश का उसको याद करके अंग्रेजों का बनाया हुआ रेस्ट हाउस और उसके मैनेजर उसी का जिक्र कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संदर्भ में सहजी बाबा जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या दे सकते हैं हमें, वो उनके पास कोई पैसा तो नहीं है, पर वो हमें स्वर्ग दिला सकते हैं अगर हमें स्वर्ग की इच्छा हो, पर ठीक नचिकेता की तरह छोटे को ये मंजूर नहीं हुआ। शायद मास्टर जी को मंजूर हो जाता, शायद अघोरी बाबा को नहीं होता, कौन कह सकते हैं। तो पर खैर फिर और बातचीत होती है और माँ के अकेलेपन को लेके वो बहुत कष्ट महसूस करते हैं, अपनी माँ को ज्ञानी बहुत याद करते हैं। रमण महर्षि जब घर छोड़ के चले गए थे तो उनकी माँ तलाशती रही उन्हें जगह जगह, ये बात इस कहानी में नहीं आती है, माँ है पर माँ का पात्र है मुझे लगता है और विस्तृत वर्णन उसका होना चाहिए था, पर इतनी सारी बातें लिख रहे हैं निर्मल हर चीज के बारे में वो थोड़ी, और कुछ तो पाठक को भी करना पड़ता है। तो रमण महर्षि जब चले गए तो उनकी माँ उनको ढूंढने के लिए दुनिया भर गई और फिर एक जगह केरल में भी गई जहां उन्होंने लगा कि एक सर्कस में एक लड़का बिल्कुल उनके बेटे जैसा खड़ा है पर उसने पीठ फेर ली है, तो उन्हें लगा कि शायद यही मेरा बेटा हो। मैं तो मानता हूं कि वो जरूर रहा होगा, रमण महर्षि दो स्थान पर एक 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 ही समय उनके लिए तो रहना बिल्कुल आसान काम होगा कि ये सर्कस जो है ये संसार का जो सर्कस है इसमें मैं नहीं हूं, मुझे यहां तुम नहीं पाओगी। तो खैर फिर वो नहीं माने, माँ मिली उनका कि वापस चले आ, नहीं माने, पर एक कर्तव्य होता है ना एक एक बेटे का माँ बाप की सेवा करना, वो कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। जैसे छोटे को प्यार दिया पिता का, पिता नहीं रहे पिता मर गए, पर ये जो थे सबसे बड़े भी नहीं थे क्रम में, पर इन्होंने पिता का जो प्यार होता है वो दिया छोटे को जिसकी उन्हें खास जरूरत थी। जैसे काफका को उनके पिता की के प्यार की जरूरत रही होगी ना, कुछ ऐसे पर वो सब मिला। रमण महर्षि वापस नहीं गए घर मदुरै, पर उनकी माँ चली आई कुछ वर्षों के बाद और रमण महर्षि के साथ रही, तो उन्हें अपना कर्तव्य पूरा किया। उनके छोटे भाई भी चले आए, उनका भी सान्निध्य था। तो रमण महर्षि ने अपनी माँ की पूरी सेवा की और उसी प्रकार मुझे लगता है कि सहजी बाबा ने अपने परिवार की सेवा की, ये प्यार देखे और ये समझाते हुए कि वहां और यहाँ का कोई अंतर नहीं है, अगर अंतर होता जो है तो तुम्हारे मन में तो वहां तुम्हारे लिए मेरा कुछ मतलब नहीं हो जाता रहता, यहां दूसरे तो कोई है ही नहीं इसलिए अपने मतलब के बारे में ही सोच सकता हूं। फिर किसी ने उनसे पूछा था मास्टर जी ने कि वो ईश्वर का ध्यान नहीं करते आप, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हो उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। सहजी बाबा कहते हैं इसका मतलब यह है कि आत्मन, रमण महर्षि से लोग पूछते थे ईश्वर है या नहीं है, वो कहते थे तुम्हें ईश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है कि तुम हो, ढूंढो तुम कौन हो। ऐसी ही कुछ बात सहजी बाबा कह रहे हैं, इसमें अनादर नहीं प्रकट कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, पर वो ये सिखा रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व को तो समझें, वो मात्र यहां है दूसरी जगह नहीं है, इस देह का है इस जाति का है मानव जाति का है मानव जाति का है, ये सब या है और शून्य नहीं है, इन सब द्वंद्वों से छुटकारा तो पाओ। तो ये सब जो सीख है इसमें एक परिवार का प्रेम जो छोटे को नहीं मिला था वो भी मिलता है, और ये जो सीख है जो मास्टर जी और अघोरी बाबा नहीं दे सके वह बिना उनके मार्गदर्शन के ये भी नहीं मिलता। तो लौटे अब ये कौवे और मृत्यु के प्रश्न पर कि अच्छा पुनर्जन्म में हमारे देश में हम सबको विश्वास है किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये बात बिल्कुल ही जचती नहीं कि इतनी सारी आकांक्षाएं होती हैं किसी भी प्राणी की कि एक ही जीवन मिले इतनी सारी आकांक्षाओं हो, पर ये कुछ जचता नहीं हमारी जो तर्क बुद्धि है हमारी, ये बाहर थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा शांत रहें क्योंकि मैं तो मात्र एक दार्शनिक हूं, पर आपकी उपस्थिति का एहसास मुझे मिलता रहे
ये मैं चाहता हूं। तो क्या कह रहा था मैं भूल गया, क्या कह रहा था मैं?